सवाल यह है कि चूक कहां कहां पर हुई है, और उन्हीं सवालों को आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा कोई आतंकी हमला होता है, हम और आप शहीदों को तो पूरा देश श्रद्धांजलि देता है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं और फिर हाथ पर हाथ धरे अगले ऐसे आतंकी हमले का इंतजार करे हुए पाए जाते हैं और फिर इसी तरह से नाकाम साबित होते हैं। सवाल यह है कि 3 दिन से आतंकी घुसे हुए हैं अंदर, सरकार की तरफ से पहले ही दिन घोषणा कर दी गई कि ऑपरेशन खत्म, गृहमंत्री ने कह दिया, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि सर्वेलेंस में है, हमें पता है कौन आतंकी कहां है, अभी तक जानकारी नहीं है कितने आतंकी अंदर है, और अब वित्त मंत्री कहते हैं कि जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे हम आतंकी को। सुनिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूल उद्देश्य था कि किसी प्रकार का भी नुकसान हमारे एसेट्स को, जो एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां पर हैं, उनको ना हो पाए, और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल रही, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरा उद्देश्य यह भी था कि कम से कम नुकसान हो, मिनिमल डैमेज हो, और उसमें भी काफी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस सफल हो पाई। जब इन्होंने पहले आक्रमण किया तो 5 जवानों को शहीद कर दिया, उसके बाद एनकाउंटर में केवल 1 को कर पाए, और बाद में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे उनकी जब बॉडी को ले रहे थे तो वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी उसके अलावा। और इसके साथ साथ तीसरा उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से या हम इनको जीवित पकड़ दें या इनको लिक्विडेट कर दें और ये डैमेज ना कर पाए। इन तीनों उद्देश्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल हुई है। डॉक्टर संबित पात्रा, जीवित पकड़ने की कोशिश थी आतंकी को, ये जरा समझाएंगे, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में तो सबसे पहले ये होता है कि अगर अंदर में लोग हैं तो उनकी जान बचाई जाए, जो वहां पर सामान है मिग से लेकर तमाम जो विमान है उनको बचाया जाए, जिंदा पकड़ना ही लक्ष्य था, एक 3 बड़े लक्ष्यों में से एक था। स्वाभाविक है, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट ही बता देंगे। जिंदा पकड़ने का कारण होता है कि वो फुटप्रिंट्स बताएं कि कहां से वो आए हैं, हाथ उठा रहे हैं आपकी बात, कौन है, कौन एक्सपर्ट हाथ उठा रहे हैं। प्रकाश जी, मैं पहले बात तो कंप्लीट कर लूं। अंजना जी, ये कैसा एंकरिंग है जिसमें आप कंप्लीट भी नहीं करने देते हैं अपने गेस्ट को? ठीक है सर, एंकरिंग सिखाई दीजिए आप। नहीं 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 अंजना जी, उसे अन्यथा मत लीजिए, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा प्लीज मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं 2 सेंटेंस तो कह लूं, उसके बाद आप जरूर जवाब ले लीजिएगा। 3 सेंटेंस कहिए जी। मेरा सिर्फ इतना कहने का, जो अरुण जी ने कहा कि जिंदा पकड़ने की कोशिश है, यहाँ देखिए एक्सपर्ट कहेंगे जरूर कि फुटप्रिंट्स प्राप्त करने की कोशिश होती है, हर कोई जो भी मिलिट्री की फोर्स होती है वो कोशिश करता है कि आतंकवादी को जिंदा पकड़ा जाए, ताकि आका कौन है, किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है, इस विषय को जाना जा सके, और अगर जिंदा पकड़ा जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि एसेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, शायद कहीं भी अगर कॉम्प्रोमाइज लगे तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जैसे कि इस परिस्थिति में किया गया। डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है कि भारतीय होने के नाते हम सब बहुत चिंतित हैं, स्वाभाविक भी है, और कोई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, आत्ममंथन के दृष्टिकोण से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सही है कि पहले जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएट करने के बाद अगर हमें ये दिखाई पड़ता है कि जिंदा पकड़ने का कार्य बहुत दुष्कर हो रहा है तो हमारे बाकी जो विकल्प है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और विश्व में देखिए हमारी छवि कहाँ जा रही है कि 72 घंटे होने को आ रहे हैं, मुठभेड़ समाप्त नहीं हो रही, हम उसको निष्क्रिय नहीं कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि अगर कीमत देनी भी पड़े तो ये विकल्प, इसके ऊपर भी चिंतन होना चाहिए, और कोई भी मुठभेड़ होती है उसके बाद हमें उससे नसीहत और जो लेसन ड्रॉन है उसके अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए। बख्शी जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आ रही। देखिए, बात बिल्कुल सही है, पहली कोशिश जरूर रहती है कि कम से कम 1 या 2 जिंदे पकड़ लिए जाएं, ताकि इनकी इंटरोगेट करके हम जो है पता कर सकते हैं कि आका कौन थे, मेथोडोलॉजी कहाँ थी, किस ग्रुप के हैं, और जो दुनिया को एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं डीजीपी साहब से बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूं कि अगर उसमें कोई विलंब लग रहा है तो हम उन्हें मार डालते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि यहां प्रॉब्लम ऑपरेशनल नहीं है,
प्रॉब्लम थी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे थे, जो ऑपरेशन से सम्मिलित भी नहीं थे उन्होंने वहां फालतू बोलना शुरू कर दिया, सब चीज दिल्ली पे केंद्रित हो गई। इसके बड़े सेट प्रोसीजर हैं, इंसिडेंट कमांड पोस्ट एस्टैब्लिश्ड होता है, जो सीनियर मोस्ट वहां पे है फौज का वो चार्ज लेता है जो ऑपरेशन करा रहा है। हमको तीन चार फोर्स मिक्स नहीं करने चाहिए थे। अगर एनएसजी गई थी तो एनएसजी को बेस के बाहर ऑपरेट करके हमले के पहले इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि हमला ही नहीं होता। 24 किलोमीटर का पेरिमीटर है, आप एक एक किलोमीटर को प्लग नहीं कर सकते, पेनिट्रेशन के बाद ही आप लोकलाइज कर सकते हैं कहां पे है। वो हुआ, पहले तीन मार दिए गए, जब चार मार दिए गए तो दिल्ली से पता नहीं क्यों बयान दे दिया गया कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन तो चालू था। और हुआ यह है कि अगले दिन दो जो बंदे हैं वो आपकी एक बिल्डिंग में वहां पे लोकलाइज हुए, उन्होंने वहां से फायर खोला। मैं आपको बता दूं वो बिल्डिंग गिरा दी जा चुकी है और केवल मलबे से लाशें निकालने में टाइम लग रहा है। प्लीज हम भी जरा समझ ले, इतनी आपकी नाकारा फौज नहीं है, भत नहीं खाया हम लोगों ने, वो पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है और प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि लाश निकालने में टाइम लग रहा है। एक लाश निकल चुकी है, दूसरी भी निकल आएगी, लेकिन उसके बाद हमको एक एक चप्पा 24 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई वहां छुपा तो नहीं बैठा अपनी जान बचा के या इस फिराक में कि वो कोई और डैमेज करे। जितना भी टाइम लगता है वी विल टेक, कोई गिनीज रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा था हमारे जहाज बचाना, हमने बचा लिया, अब हम ठोक पीट के एक एक चप्पा उसका चेक करेंगे। और जहां तक सवाल है कि कोई किड ग्लव से ट्रीट किया जा रहा है, जिस बिल्डिंग में वो थे वो बिल्डिंग समेत दफनाए जा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम अश्विनी जी आपका इस पर रिएक्शन, जिसके बाद मैं चलूंगी डॉक्टर संबित पात्रा जी से जवाब लेने। ये कोशिश रहती है सर कि वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन डैमेज मिनिमम हो, तो उन वजहों से शायद वक्त इतना लग रहा है। ये सही बात है जी। देखिए डैमेज मिनिमल होना जरूरी होता है और ये भी एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है, पर साथ ही हमको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आतंकी इस तरह की स्थिति में हैं कि हमें डैमेज कर सकते हैं, अगर उनको मार गिराना ही उचित उपाय है तो उनको मार गिराना होता है और ऐसा फौजें हमारी करती आई हैं। ये ठीक है कि अगर कोई पकड़ा जा सके तो उससे मदद मिलती है आगे के लिए, मगर ये कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उसको जिंदा ही पकड़ना है, क्योंकि जैसे कि ये हमले हुए हैं ये फिदायीन हमले हैं। जो हमलावर होते हैं वो तो मरने के लिए सदा तैयार ही रहते हैं, और अगर आप कोशिश भी करेंगे उनको जिंदा पकड़ने की तो चाहे उनको अपने आप को खुद को मारना हो वो अपने आप को खुद मार लेते हैं। इस सूरत में उनको जितनी जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा सके यही उचित उपाय होता है, यही कोर स्ट्रेटेजिक आर्मी का और इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव होता है। मगर आज जो बात हमको समझने वाली है वो ये है कि 24 किलोमीटर के एयरफोर्स स्टेशन के रेडियस का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो एयरफोर्स स्टेशन की हद तक पहुंच गए, उसकी दीवार को लांघ गए, और 17 घंटे के बाद एसपी के अपहरण के बाद ये हुआ। तो जैसा कि हमारे सशस्त्र सेना के जो विशेषज्ञ आपके स्टूडियो में बैठे हैं बहुत आदरणीय हैं, वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हो पाई और हमारे साथ जवानों को शहादत देनी पड़ी। जहाँ तक आप अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि एक जहाज को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एक जवान को बचाना ज़रूरी है, मैं कहूँगा अपने जवान को बचाना ज़रूरी है। हमें इज़राइल से, हमें अमेरिका से, बख्शी साहब आपकी बात पर जवाब देना चाहिए। अश्विनी जी बख्शी जी आपकी बात पर एक जवाब देना चाह रहे हैं। शहीदों अपने जवानों की जान को, बख्शी जी आपकी एक बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अश्विनी जी बख्शी जी आ रही हैं। मैं अश्विनी कुमार साहब की बात से मुझे अच्छा लगा कि वो उनको उन्होंने फिक्र दिखाई है हमारे जवानों की जानों के लिए, लेकिन अश्विनी जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारे अफसर जवानों का सवाल है, जो देश हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए, अगर हमारी एयरफोर्स के जहाजों का नुकसान होने वाला है हमारे लड़के खुशी से अपने आप को कुर्बान कर देंगे, और उन्होंने किया है बख्शी जी। आज उनके बच्चे रो रहे हैं तो ये हमारे मुंह में ये तमाचा मारता है कि साहब आप रक्षात्मक होके लड़ नहीं सकते, अब समय आ गया है कि हमको पलटवार करना चाहिए।
केवल ढाल से लड़ाई नहीं होती, ढाल के साथ तलवार का भी इस्तेमाल होना चाहिए। 30 साल से हमने ये तलवार चलती नहीं देखी बॉर्डर के पार। हर लड़ाई पानीपत में हो ये क्यों जरूरी है? हर लड़ाई भारतवर्ष के अंदर हो ये क्यों जरूरी है? बख्शी जी, एयरबेस में आतंकियों की एंट्री, बॉर्डर के पार भी लड़ाई हुई। बख्शी जी, आपको याद करा दें कि 1971 में बॉर्डर के पार भी लड़ाई हुई जब बांग्लादेश बना। हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की सेनाएं, और अश्विनी जी यहाँ भी देखिए राजनीति आरंभ हो गया, इंदिरा गांधी जी यहाँ भी आ गई थोड़ी देर में। अश्विनी जी, 1971 की लड़ाई में मैं लड़ चुका हूँ, आप उसकी बात करिए, मैं उसमें लड़ चुका हूँ। जरूरत पड़ी अश्विनी जी थोड़ी देर के लिए तो गांधी नेहरू परिवार को छोड़ दीजिए। एक मिनट, क्या थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एक मसूरी में है दूसरा यूरोप में। अश्विनी जी, मैं हर चीज में गांधी नेहरू परिवार आ जाए कि मैं खुद 71 की लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं 71 की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, वो बहुत काबिले तारीफ लड़ाई थी। मैं बात कर रहा हूं पिछले 30 साल की, 1980 की दशक में पंजाब में टेररिज्म शुरू हुई थी, और तब से लेके अब तक हमने क्या किया है? क्यों हमने पलटवार नहीं किया बॉर्डर के पार, चाहे आपकी सरकार चाहे कोई दूसरी सरकार? बताइए क्यों अभी तक पलटवार नहीं हुआ है? क्यों हम अपने देश में बैठे बैठे डिफेंस करे जा रहे हैं, रक्षात्मक तरीके से क्यों लड़े जा रहे हैं? उसमें हमारा नुकसान होगा, हमारे जवान मारे जाएंगे। अगर आप अपने हाथ पैर बांध के अपने देश में सीमित हो जाए तो जवानों का नुकसान होता है। ऑफेंसिव लड़ना चाहिए अगर आप हमारे जवानों की जान बचाना चाहते हैं, प्लीज इसको समझिए। उसके जवान मरने चाहिए, हमारे नहीं। आपके बहुत से, लेकिन आप हमको रक्षात्मक करके रखते, केवल अपने देश तक लड़ाई सीमित रखे तो हम ही मरते रहेंगे, हमारी ही चिताएं जलती रहेंगी, हमारी ही बेटियां रोती रहेंगी। बहुत से आप, मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं। आपके बहुत से विशेषज्ञ कुलीग्स जो आज भारत की फौज की कमान संभाले हैं, ये उन सब की राय के मुताबिक ही ऐसे फैसले किए जाते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ, मैं चाहती हूँ डॉक्टर पात्रा आप भी एक बार रिएक्ट करें जीजी बख्शी जी की बात पर। जी, उसके मुताबिक ही ये फैसले किए जाएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जी बोल तो लें पहले। देखिए, कष्ट इस बात का होता है कि जब एक संजीदगी भरी बहस को हम बढ़ा रहे होते आगे, तो इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के यहाँ भी इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप और गांधी परिवार को लाने का प्रयास करते हैं। चाटुकारिता को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा के ऊपर हम चाटुकारिता को लेके आए। सर, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात, जी डी बख्शी जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं तो क्या बोलूं, मगर जो मुझे लगता है दो ऑप्शंस हैं, या तो हम युद्ध लड़े, फुल ऑन युद्ध, हेड ऑन युद्ध लड़े, या तो प्रॉक्सी वॉर हो। बहुत लोगों का ये कहना है कि प्रॉक्सी वॉर भी होना एक ऑप्शन है, मगर प्रॉक्सी वॉर एक कोवर्ट ऑप्शन है, उसको हम खुलेआम बैठ के डिबेट नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार का उसमें स्ट्रैटेजी रहेगा, किस प्रकार का प्रॉक्सी रिप्लाई भारत का रहेगा। मुझे लगता है ये केवल समय ही बता पाएगा, इसलिए थोड़ा सा धीरज के साथ हमें सरकार पर विश्वास रखते हुए इंतजार करना चाहिए जब तक ये कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा है। जल्दी से, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं बताना चाहता हूं समित जी, हमने ये जो कोवर्ट ऑपरेशन का बात किए, ये कोवर्ट ऑपरेशन हमारा गुरदासपुर के बाद भी हो सकता था, तंगधार ऑपरेशन के भी बाद भी हो सकता, जब हमारा जवान का सिर काट लिया गया था उसके बाद भी कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम है, हम ये कोवर्ट ऑपरेशन कब करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कब ऑर्डर मिलेगा, क्या इसके लिए और भी 30 केस और भी हो जाए, पंजाब में फ्रंट खुल गया, और कितने बार फ्रंट खुलेगा, किस किस जगह पर फ्रंट खुलेगा, और कब कब हम कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे? कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान में करना अनिवार्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम डिफेंसिव फोर्स इंटरनेशनल एरिना में माने गए हैं, और ये माना जाएगा कि हम बिल्कुल ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त की कमी है, सिर्फ 2 मिनट है। मैं चाहती हूँ हर एक से रिएक्शन हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है, छोटी छोटे में अब संक्षिप्त में अपनी बात कहें। समित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि अरुण जेटली साहब ने यह भी कहा कि देखिए 26/11 में भी हुआ था, लंबा वक्त लगता है इस तरह के ऑपरेशन में। 26/11 के बाद 7 साल बीत गए हैं, जिंदा आतंकी भी हमने एक पकड़ा था, कसा। क्या साबित कर पाए हम पाकिस्तान के आगे, विश्व के आगे, क्या सबक सीखा हमने? देखिए, मैं विनम्रता से कहूंगा, लेंथ ऑफ द ऑपरेशन
सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी ऑपरेशंस हुए हैं जम्मू कश्मीर में जहां 90-90 घंटे 100-100 घंटे लगे हैं, मगर छोटे छोटे ऑपरेशन, वो और भी छोटे आतंक छोटे छोटे जगहों के लिए हैं। तो इसलिए लेंथ के साथ सक्सेस को देखने की मुझे लगता है कोई जल्दबाजी हमें नहीं होना चाहिए। जैसे जी डी बख्शी जी ने कहा, क्या जा रहा है, अगर कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जाना नहीं है। एक एक चप्पे को छानेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि कोई आतंकवादी नहीं है, फिर डिक्लेयर क्लोज करेंगे। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अश्विनी जी, मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर अटैक है और इन अ वे इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, पूरी तरह से देश की अखंडता के ऊपर प्रहार है, एक हमला है देश के ऊपर। इसको जितनी गंभीरता से लिया जाए उतना कम है। देश एकजुट होकर आतंक का मुकाबला करेगा, ये बात सच है, मगर ये भी सच है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक की अकाउंटेबिलिटी देश के सामने रखना अति आवश्यक है। प्रकाश, युद्ध का एक ही धर्म है, जय और तर्क और कुतर न दे करके अपनी विजय हम सुनिश्चित करें, चाहे उसको लूफी रूप में करके, चाहे रिइंफोर्समेंट के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार, लेकिन विजय सुनिश्चित करें। सर, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, इंडिया का बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जितना है, उनको ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए परमिशन दिया जाए, अपग्रेडेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है, जिन्होंने इनको रोक सकते थे बॉर्डर में, यहां घुसपैठ हुआ, आप उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं, उनका ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये स्वतः सिद्ध है। 26/11 की जो हमें सीख मिली है उसे हमने अभी तक पालन नहीं किया है, और ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत आवश्यक है, उनको उसी तरह से चुकाया जाए जैसे वो हमारे भारतवर्ष में कर रहे हैं। 26/11 नहीं तो 26/11 गुरदासपुर और ये पठानकोट होता रहेगा। बख्शी जी, आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन उसी के साथ एक सवाल भी छोटा सा, बिल्कुल, क्या एंट्री रोकी जा सकती थी सर, सर एयरबेस में एंट्री, देखिए बहुत बड़ी चूक नहीं है, एयरबेस में एंट्री, देखिए अगर आप ऑपरेशन करते उसके अपहरण के बाद जो एनएसजी का कॉलम आया था उसको लगाया जाता इन लोगों को बेस के बाहर पकड़ने का, तो शायद हो सकता था ट्रैकर डॉग के साथ इनको ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि दो विकल्प है आपके सामने, कोवर्ट ऑपरेशंस, ओवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट ऑपरेशंस अगर आप करेंगे, आप अपने देश के लोगों को यह नहीं कह सकते कि हमने क्या किया, जो आक्रोश इस देश में है वो नहीं रुकेगा, वो नहीं थमेगा। आप अगर सीधे डायरेक्ट ऑपरेशंस करें, एयर स्ट्राइक्स करें, आर्टिलरी स्ट्राइक्स करें, फायर असॉल्ट्स करें, कमांडो रेड्स करें, तो कम से कम आप पाकिस्तान की चाल पे नहीं चलेंगे। आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से दिया जा सकता है, लेकिन वो आपके बारे में क्या कहेगा, आप खुल के लड़ी। वक्त की कमी, हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि हर आतंकी हमला इस देश में एक तारीख में कैद होकर रह जाता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं अगले आतंकी हमले तक, फिर बैठते हैं टेलीविजन स्टूडियो में, फिर बहस करते हैं, फिर सरकारें कुछ मीटिंग करती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिससे लोगों में ये भरोसा जगे कि ऐसी आतंकी हमला अगर देश पर होता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस उसे रोक पाएंगी। ये बहुत गंभीर मामला है, सवाल है इस देश के। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी